बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं केतु शहर। खुश आमदेद कहते हैं आपको इस मॉर्निंग शो में जिसका नाम है केतु शहर और मैं हूं रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे कितने बजे, 9:30 बजे। 9:30 से लेकर 11 बजे तक आपसे हम गपशप लगाते हैं, बहुत सी बातें करते हैं और साथ मौसम को भी इंजॉय करते हैं। इतना कोई हसीन मौसम हो रहा है इस्लामाबाद का इस वक्त, पूरे स्टूडियो में एसी लगे हुए हैं, ठंडी हवाएं वैसे भी महसूस होती हैं, लेकिन इस खिड़की से जो हवा आ रही है, जो खुशबू मिट्टी के साथ ला रही है, उसकी क्या ही बात है। जनाब, कल हम सब ने मिलके यौमी आज़ादी मनाया और उन सबको मेरी तरफ से, आप सबको जो देख रहे हैं, गुज़िश्ता यानी कि कल की यौमी आज़ादी की बहुत मुबारकबाद हो, लेकिन उनको नहीं जिन्होंने 13 अगस्त की रात से जो बाजे बजाने शुरू किए, जो वन व्हीलिंग की है, साइलेंसर निकाल के जो बाइक चलाए हैं, किसी का लिहाज नहीं किया कि क्या पता कोई बीमार हो, कोई बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सारी सारी रात जो शोर मचाया है, सलाम है उसको जिसने ये बाजा ईजाद किया था। यकीन करें कि ये कौन सी खुशी है भाई कि जिसके अंदर कोई सुकून ही नहीं है, इसके अंदर इतनी परेशानी सबके लिए क्रिएट की है। तो बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ेगा कि हमने हर प्रोग्राम में ताकीद की कि भाई ख्याल रखें इस चीज़ का, ख्याल रखें, लेकिन कहाँ सुनते हैं ये लोग। और अगर इनसे कहा जाए कि मुल्क की खातिर खुशी मनानी है आपने, तो जहाँ आप काम कर रहे हैं सिर्फ 1 घंटा है वहाँ पर एक्स्ट्रा दे दें, तो ऐसे भागेंगे ना कि नजर भी नहीं आएंगे। तो जनाब, ये परचम हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अफसोस की बात यह कि आज जब मैं प्रोग्राम करने के लिए आ रही थी तो मुख्तलिफ जगहों पर रास्ते में मैंने सड़कों पर इसको गिरे हुए देखा। बारिश हो रही है, बेहरमती हो रही थी, पैरों के नीचे आ रहा था, गाड़ियों के नीचे आ रहा था। तो ऐसा ना करें, अगर आप चाहते हैं कि वतन से अपनी मोहब्बत का सबूत दें तो ज़रा बाहर निकलिए और अपने आसपास मोहल्ले में, गली में देखें। अगर टेरेस पे, छतों पे, कारपोश पे आपने झंडियाँ लगाई हैं तो बारिश हो रही है, फटेंगे सारे जो झंडे हैं, झंडियाँ हैं वो नीचे गिरेंगी। तो ऐसा ना करें, बड़े इज्जत एहतराम के साथ उनको उतारें और इसको आप फोल्ड करके रख दें ताकि जो है ना इसकी बेहरमती नंबर के मैं इसको अपने साथ ही रखती, बेहरमती ना हो। अच्छा जी, दुनिया की सारी नियमतें हमारे पास हों, पैसा है, इज्जत है, दौलत है और औलाद भी है, लेकिन अगर हमारे पास सेहत नहीं है तो यकीन करिए कि एक रात में पानी भर जाता है। और दुनिया में बहुत से हमने पेंडेमिक्स देखी, बहुत सी बीमारियाँ देखी, लेकिन एक ऐसा वायरस है जो कि बहुत डेडली रहा, जब भी आया अभी तक है कुछ इलाकों में, कुछ ममालिक में, पाकिस्तान भी शामिल है, तो उसने ऐसी तबाही मचाई कि नॉर्मली पेंडेमिक में होता है शरह अमवात ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन इस बीमारी की वजह से बच्चे जो हैं वो सारी उम्र के लिए चलने फिरने से माजूर हो जाते हैं। आपने सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ पोलियो वायरस की। पाकिस्तान के नौजवान को इसका थ्रेट अभी तक है, इसीलिए हम इस प्रोग्राम के तवस्त से आपको मिलाएंगे ऐसे एक्सपर्ट से, क्योंकि मुल्क भर में पोलियो कैंपेन का आगाज़ हो चुका है। 15 तारीख से लेके 19 तारीख तक ये पहला मरहला है जिसमें केपी के, हैदराबाद, कराची के जो रेड जोन्स हैं जहाँ पे ख़तरा ज़्यादा है, वहाँ पे वैक्सीन जो है वो दी जाएगी, पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे 5 साल तक के बच्चों को। तो वो तमाम माएँ, वालदैन, बहन भाई, दादा दादी जहाँ बैठ के मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं ना, तो आपके घर में अगर इसको मैं आरंभ दूँ, छोटे बच्चे हैं 5 साल की उम्र तक के, तो आपके दरवाजे पर अगर पोलियो की टीम आए तो उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। ये 2 कतरे हैं जो कि आपके बच्चों की सेहत की, उनकी ज़िंदगी के जामिन हैं। खुदा न खासा ऐसी बीमारी का शिकार ना हो हमारे बच्चे, हमारे मुस्तकबिल, जिसकी वजह से वो डिपेंडेंट हो जाए हम पे। माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख हो नहीं सकता। इसे जैसे हम देखते हैं ना कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, खेल रहे हैं, इमेजिन करें कि आपका बच्चा खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि वो कोने में बैठा है, चल फिर नहीं सकता, तो माँ बाप के लिए कितनी तकलीफ़ की बात होगी ना। तो ये बात खाली मैं नहीं कह रही हूँ, हम आपको जहाँ सेगमेंट्स अपने दिखाएंगे, जहाँ आपसे बहुत सी बातें करेंगे, वहाँ हम आपको मिलाएंगे ऐसे डॉक्टर्स से जो कि आज आपको रहनुमाई करेंगे, आपको बताएंगे कि क्यों ये पोलियो कैंपेन की जा रही है, क्यों ज़रूरी है, क्यों आपके बच्चों के लिए पोलियो के कतरे जो है पिलाने बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आज क्या पकाएं, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि ये तो परेशानी जो है ना वो हर दफ़ा ही होती है।
और इसके अलावा सितारों का हाल भी आपको बताएंगे ताकि मालूम हो जाए कि इस वीक आपको कैसे गुजरेगा। लेकिन भाई दिल पे ना लेना, एक ऐसा इल्म है कि जिसके जरिए आपको गाइडलाइन मिलती है। जैसे कि आप गूगल से गूगल मैप के जरिए रास्ता ढूंढते हैं ना, तो ये आपको गाइडलाइन दे देता है जो सितारों का हाल होता है कि किस तरह से आपको पूरा वीक गुजरेगा। इसके लिए हमें आप कॉल कर सकते हैं। और हाँ, इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, मुझे थैंक यू बोलना है। मेरे ख्याल से खड़े होकर मैं इधर आके बात करती हूँ ताकि जो मेरा ड्रेस है वो नजर आ जाए। फरा शान का, फरा ने ये ड्रेस जो है ये जोड़ा मुझे भेजा है बाय कॉरल कटोर। थैंक यू सो मच फरा, बहुत शुक्रिया। व्हाइट मेरा फेवरेट ड्रेस है और मैंने ये पहना था 14 अगस्त को, तो मैंने तब भी पहना है और आज ही पहना। मैं जरा पैसे पूरे कर दूं इसके। तो थैंक यू सो मच फरा शान फ्रॉम कॉरल कटोर फॉर दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। प्रोग्राम को मेरे ख्याल से आगे बढ़ाते हैं और आपको मिलाएंगे मेहमानों से भी। हमें कॉल करने के लिए हमारे नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे तो दिखाएंगे आपको अभी तक। इस पर आप कॉल कीजिए और मुझे बताइए कि आपसे मुलाकात होगी तकरीबन 1-1.5 हफ्ते के बाद। लाइव प्रोग्राम में आपसे मैं गपशप लगा रही हूँ। 14 अगस्त भी आ गया, कैसा गुजरा और जो आपसे मैंने बातें की हैं आपने उस पर अमल किया है कि नहीं किया। तो हमें कॉल कीजिए और बताइए कि कितना परेशान हुए थे आप बाजों की आवाज़ को सुन के। यकीन करें, अच्छा बाज सड़कों पे तो लोग बाजे बजा रहे हैं, सो बजा रहे हैं, हर साइज का बाजा था, लेकिन उसकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप पे भी आ रहा था वो उसका पैगाम मुझे। मतलब साउंड को प्रेस करें तो वो पा बाजा बोलता था। मैंने कहा इसकी कमी रह गई थी, यहाँ पर भी होगा। एनीवेज व्हाट्सएप पे तो खैर मैंने भी फॉरवर्ड किया था लेकिन वो फिजिकल वाला बाजा नहीं था। तो हमें कॉल कीजिए, प्रोग्राम में शामिल होइए। ये बताइए कि आज आपने क्या पकाना है। प्रोग्राम का हिस्सा इस तरह से बन सकते हैं कि रेसिपी शेयर कर सकते हैं। आप बताइए कि आज का दिन कैसे गुजारना है। पहला वर्किंग डे है विच मीन्स कि हफ्ते का आगाज हो चुका है और नॉर्मली हम मंडे ब्लूज से गुजरते हैं कि हाँ ये छुट्टियां होके गुजरी हैं। अब यकीन करें कि मेरा ये वीकेंड इतना हेक्टिक गुजरा है कि मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना था, मुझे लाहौर जाना पड़ गया। वहाँ तो जो तैयारियाँ चल रही थी तो चल रही थी, लेकिन जो लोग पिंडी सलामत के रहने वाले उन्हें अंदाज़ा है कि फैज़ाबाद से लेके जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तक का जो फासला है वो 20-1 मिनट का है। लेकिन यकीन करें कल मैं 2.5 घंटे में घर पहुँची हूँ बिकॉज ऑफ द बाजास एंड द ट्रैफिक। ये कहाँ की खुशी है। शेयर कीजिए हमारे साथ। तो कॉलेज ही प्रोग्राम में। अच्छा जी, हम आपसे बात करेंगे आज पोलियो के हवाले से। हमें कॉल कीजिए और बताइए कि क्या आपके इलाके में पोलियो की टीम आई है कि नहीं आई है। यकीन जानिए कि ये वो दो कतरे हैं जिनसे सारी उम्र के लिए आपके बच्चे जो हैं वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे और आपको दुआएं देंगे। यकीन ना आए तो आपको दिखाएंगे ऐसे मैसेजेस जिसके जरिए हमें पता चलेगा कि पोलियो कितना जानलेवा है। खुदा ना खास्ता अगर मौत हो जाए, जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ताला ने बहसियत इंसान हमें ये शऊर दिया है कि हम ये फैसला कर सकें कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। आइए जी, दो मेहमान हैं हमारे साथ, उनसे आपको मिलाना चाहेंगे। वो आपको बताएंगे कि पोलियो क्यों जरूरी। डॉक्टर साहिबान हैं, आपसे तारुफ कराते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं जी। K2 शहर की खूबसूरत सी मॉर्निंग में सेहत के हवाले से बात करेंगे जी। आइए जी, आ जाए आज। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, तशरीफ रखिए जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से पहुंच गए। बारिश काफी मजेदार हो रही है ना? बिल्कुल, काम करने का आज तो बिल्कुल मूड है ही नहीं। लॉन्ग ड्राइव भी जाने का मूड है, ऐसे ही है बिल्कुल। तो समझे कि ड्राइव ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, आप इंट्रो में बड़ी अच्छी बात कर रही थी, मैं भी थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ। जी जरूर जरूर। बाजे जो पटाखे हैं ये पाकिस्तान के लाव में तो है ही नहीं। आप यकीन करें कि 13 अगस्त को रात 11 से 12 मेरे रेडियो पाकिस्तान पे प्रोग्राम होता है और 45 मिनट में सरीना चौक में फंसा। मेरा भी और, ये हाल और मेरे ये दिमाग फट गया जितने बाजी उन्होंने बजे। अच्छा, मुझे बैक ऑफ द हेड ना बाजों की आवाज ही मुझे आ रही है, मतलब नॉर्मल अभी तक हुई नहीं हूं मैं। लेकिन ये कहां की खुशी है। और इतने बड़े बड़े बाजी ईजाद कर दिए हैं कि वो मतलब आपकी सारी चीजें उड़ा के रख देता है। ऐसा वैसा नॉइस इतनी है और फिर ये कि शोर शराबा तो कहीं भी नहीं। आप हल्ला गुल्ला थोड़ा बहुत करें मगर इस तरह की जो है वो सिविलाइज्ड कौम में नहीं करती है। वही बात मैंने कहा ना, वन व्हीलिंग करना, अपनी जिंदगी खतरे में डालना, माँ बाप का ना सोचना, ये खुशी का कौन सा इजहार है मुझे समझ नहीं आती। बिल्कुल ऐसे। तो आज आप भी रिक्वेस्ट कर दें कि परचम का भी अपने ख्याल रखें। बारिश हो रही है तो जहाँ जहाँ परचम लगे हैं बाइज तरीके से उसको उतार लें। बच्चे को ना परचम लेके देना बंद कर दिया। अच्छा, इसकी वजह से यही है कि मेरा दिल अंदर से बिल्कुल रोता है जब मैं दिन में देखता हूँ कि परचम जो है हमारे पाँव में हमारी गाड़ियों में आ रहे हैं। आप बिल्कुल उसको रखें। अब उसने एक छोटा सा लिया, मैंने कहा बेटा इसको संभाल के रख लो। दो दिन उसने गाड़ी पे लगाया, मैंने कहा ज्यादा झंडियां नहीं लेके देनी, वो तुम नहीं संभालते हो, मुझे पता है ना। बिल्कुल। तो भाई आप लोग कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान का झंडा है, हमारा प्राइड है।
तो प्राइड ऑफ द नेशन, हमें ये सारी चीजें देखनी होंगी कि कैसे हम इसको जो है वो अच्छे तरीके से ऊंचा रखें। अच्छा, आज आपको हमने जहमत दी है बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने के लिए। मैं तो खैर आपको जानती हूँ, आप दोनों नोन चेहरे हैं जी, सेहत के हवाले से भी काफी आप दोनों का नाम है। कुछ अपने बारे में पहले बताइए, फिर हम पोलियो की तरफ आते हैं। मैं रिदा, मतलब 22-24 साल हो गए हैं टेलीविजन रेडियो प्रोग्राम जी जी कराची से। टीवी स्टार ज्यादा हो गए आप, है ना? तो सारे जितने मॉर्निंग शोज होते हैं यहाँ से K2 में काफी ज्यादा मैंने प्रोग्राम किए जी। तो इसी तरह बस सिलसिला चल रहा है, 10 FM रेडियो में करता हूँ। जबरदस्त। तो लोगों को फिर मेरी अपना यूट्यूब चैनल है डॉक्टर सजाद खान ऑफिशियल के नाम से जी जी जी। तो उसमें जो है वो 26-26 लाख पे मेरी अपनी वीडियोस गई हुई हैं। अच्छा। और अमेरिका अवेयरनेस के बारे में, और कनाडा अमेरिका से लोग कहते हैं जी हमसे पैसे ले लें आप। अच्छा। मैं ये फीस भी ले लाता हूँ। जबरदस्त। और रात जो उनके टाइमिंग्स होते हैं मैंने उन्हें बताया हुआ है, और वो मुझसे कंसल्ट करते हैं। तो ये मेरे इनर की खुशी है कि अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी लगाई। एक सेटिस्फेक्शन होती है। एक्जेक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर तनवीर हूँ, पॉली क्लिनिक में बेसिकली काम मैं करता हूँ। पॉली क्लिनिक इस्लामाबाद का पहला जो था, इस्लामाबाद का पहला हॉस्पिटल है जो 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था। करंटली बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, स्पेशली डेंगू और दीगर जो जितनी भी वायरल डिजीजेज होती हैं उनके हवाले से हम हमेशा टॉप पे रहे हैं। बिल्कुल। लास्ट टाइम मैंने 2020 में जब कोविड का पेंडेमिक हुआ था पूरी दुनिया में जी। तो उस टाइम एक घंटे का मैंने यहाँ पे मॉर्निंग शो मैंने किया था कोविड के बारे में। बाकी रेडियो में मैं FM में प्रोग्राम्स करता रहता हूँ। सोशल मीडिया इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, लेकिन ये है कि स्टार्ट मैंने लिया हुआ है। अच्छा, तो अच्छा। उस हवाले से भी मेरा डॉक्टर तनवीर के नाम से पेज भी है, डॉक्टर तनवीरुल्लाह के नाम से वो है फेसबुक अकाउंट है, और साथ यूट्यूब चैनल बनाया था, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता जिसकी अच्छा। वजह से ये है कि मॉर्निंग शोज में अगर इन्वाइटेड हों तो फिर हम जरूर जी। बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, जैसे K2 ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। सर पोलियो क्यों नहीं ख़त्म कर सके हम अभी तक? बेसिकली ये अपर साइड पे जो है हमारे पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान के साथ इलाका लगता जी, है जी, जी। उसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉर्डर्स बंद हो जाते हैं, बॉर्डर्स बुरी तरह खोल दिए जाते हैं, और वहाँ पे जो है वो चेक एंड बैलेंस आपको पता है इतनी ज़्यादा सहूलियात नहीं है, और लोग जो है इधर से उधर जो है वो ट्रेवल करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। तो हमें पाकिस्तान में जो है वो इतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं, मगर दो ही मुल्क अफगानिस्तान तकरीबन और पाकिस्तान जो है वो रह गया है। इंडिया में 2013-14 में उनको क्लियर कर दिया गया था WHO ने, मगर ये है कि अगर हम हिम्मत करें और थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखें तो हम पोलियो को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। सही। और ये ना हो कि आइंदा आने वाले दिनों में कहीं हमारा ट्रैवल बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये बड़ा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल ये बड़ी फिक्रमंदी की बात है कि अमेरिका ने एक टाइम में बंद किया था पाकिस्तान का ट्रैवल जो है। तो इस तरह ये है कि और मुल्क भी जो है वो हमें प्रॉब्लम में ना आ जाएं, क्योंकि काम तो देखें पूरी दुनिया में हमें जाना पड़ता है, आना पड़ता है लोगों को भी, और सेहत के हवाले से लोग फिर हमारे मुल्क में ट्रैवल नहीं करेंगे। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि जो जानलेवा तो नहीं हम कह सकते, अगर देखें कि आपकी गर्दन में स्टिफनेस आती है, लैरिंग्स और फ्रेंज वगैरह की वजह से सोजिश आती है, तो देन डेथ हो सकती है। अगर आपको फालज हो जाता है किसी भी हिस्से का, लेग्स का, आर्म्स का, तो फिर तो ये है कि लाइफ टाइम आपके साथ चला जाता है, इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है। ओहो। और सर्वाइवल बस इसी तरह उसको जितनी उसकी लाइफ होती है उसी तरह ही उसको जो है वो आगे कैरी ऑन करना पड़ता है। मुझे लगता है डॉक्टर तनवीर में आप शायद सेकंड करेंगे कि चलो किसी की डेथ होती चलो अल्लाह की रजा है, लेकिन एक ऐसे बच्चे को जो कि पैरालाइज हो जाए, जो चल फिर ना सके, वो सारी उम्र की सज़ा है पेरेंट्स के लिए भी, बच्चा तो जो गुजारेगा गुजारेगा। एग्जैक्टली। बात इस तरह है, जो पोलियो के केसेस होते हैं बेसिकली अंडर 5 ईयर्स में 95% केसेस देखे गए हैं। इस वजह से इसका प्रिवेंशन ही है सबसे मेजर जो चीज़ है, क्योर तो इसका है नहीं। वायरल डिजीज़ अक्सर डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनका क्योर कोई नहीं है। पहले ज़रा ग्लोबल इंडिकेटर्स पे मैं थोड़ी सी रोशनी डाल दूँ। 1988 में पूरी दुनिया में 3.5 लाख पोलियो केसेस थे। मैं वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस की तरफ मैं आ रहा हूँ, उसके लिए ग्लोबल जो इंडिसेस हैं वो बताना जरा जरूरी है। उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज में वैक्सीनेशंस के हवाले से कंपेन्स चली WHO ने, और उसके अलावा जो है यूनिसेफ और CDC जो अमेरिकन डिजीज एंड प्रिवेंशन कंट्रोल सेंटर्स हैं, उसके अलावा जो है बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है, उन लोगों ने एक ग्लोबल पोलियो इरिडिकेशन कंपेन शुरू की, जिसके बाद 2019 में जो है पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 148 केसेस रह गए। ठीक।
2013-14 में जैसे सर ने बता दिया कि इंडिया में पोलियो खत्म हो गया, 2016 में जो है नाइजीरिया जो है वो तीसरा मुल्क था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद जिसमें पोलियो जो है एंडेमिक था, तो 2016 में नाइजीरिया भी पोलियो फ्री हो गया। अब इस टाइम जो है करंटली हम अगर देखें तो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के केसेस रह गए हैं। उसमें पाकिस्तान का जो डेटा है वो कुछ इस तरह है, पाकिस्तान में 2020 में जो है 84 केसेस थे, उसके बाद जो है 2021 में सिर्फ एक केस आ गया था 27 जनवरी को, और 27 जनवरी 2022 तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ था। उसके बाद सडनली ये अप्रैल में जो है और अभी का जो डेटा है 2022 के अंदर जो है 2022 है जी। इसमें 14 केसेस जो है अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं दोबारा अचानक से। तो किसी भी मुल्क को पोलियो फ्री करने के लिए एक साल का अरसा जो है वो चाहिए होता है कि कोई केस रिपोर्ट ना हो। उसके बाद जो डिजीज सर्वेलेंस टीम्स होती हैं WHO और फाउंडेशंस की, उन्होंने सर्वेलेंस करना होता है कि दोबारा से कोई आउटब्रेक ना हो, तो उसके बाद जाके जो है वो फिर पोलियो को इरेडिकेट हुआ है कि किसी मुल्क को जो है डिक्लेयर करते हैं। जो 13 केसेस आए 14 केसेस आए वो किन इलाकों में? ज़्यादातर जो है ये फाटा के जो फेडरल ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे हैं, जैसे सर ने बात की, क्योंकि जो है ना ये अक्रॉस द बॉर्डर जो है इलीगल जो है मोबिलिटी लोगों की होती है, तो वो भी एक मेन रीज़न है। दूसरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है इस चीज़ पे, और सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से वो है वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है ना, उसके लिए 2-8 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है सस्टेन करने के लिए सस्टेन। तो पाकिस्तान में हाई टेम्परेचर्स और जो इवन जो टीम्स होती हैं उनको जो है मोबिलिटी में और डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट कल्चरल बैरियर्स आते हैं, लोग जो है रिजिस्ट करते हैं। और 2015 में तो KP में जो है एक कैंपेन लॉन्च की गई जिसमें ये किया गया था कि पोलियो की वैक्सीन जो बंदा नहीं लगाएगा उनके जो पेरेंट्स हैं उन पे जो है FIR कर रहे थे, और सडन जो है डिक्लाइन भी हुआ था 2017 में, फिर काफी डिक्लाइन हो गई थी ये करंटली स्टेटिक्स यही है कि अफगानिस्तान में भी 3-4 केसेस हैं और पाकिस्तान में जो है 14 केसेस हैं। अच्छा, ठीक है, और बाकी पूरी दुनिया जो है पोलियो से इरेडिकेट हो। चलिए जी, इंशाल्लाह उम्मीद है लगे हुए, सब कोशिश करें। एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू K2 शहर, क्या हाल चाल है, कौन बात कर रहे हैं? थैंक यू, मैं मिसेज आसिफ बात कर रही हूँ रावपिंडी से। मिसेज आसिफ खैरियत से है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच जी। हाँ जी, तो दोनों डॉक्टर साहब आते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मैंने भी एक मेरा क्वेश्चन था, हाँ जी, डॉक्टर सजाद साहब तो मैं देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ रेडियो पर भी, इनके बुक से चैनल से देखती हूँ जी। तो आज मैंने ऑन किया तो मैंने कहा मैं इनसे क्वेश्चन करूँ कि पोलियो के जो पेशेंट बच्चे होते हैं उनकी डाइट के बारे में जरूर बताएं ताकि वो उनका नर्वस सिस्टम जो है वो बेहतर रहे, कि डाइट क्या होनी चाहिए। ठीक है जी, आप और कोई सवाल है फिर आपको ऑनर जवाब दे देते हैं ये। हाँ जी, बस यही है मेरा, और बाकी आपका प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, बहुत अच्छा। आमीन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, क्या डाइट उनकी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें एक तो हमारे मुल्क में जो है एनीमिक बहुत हैं बच्चे जी, जी जी, सबसे पहले तो हमें ब्लड CP जो है उनका करवाते रहना चाहिए, गाय बगाए रेगुलर करते रहना चाहिए जी। HB लेवल जो है हीमोग्लोबिन कितना है बच्चों का, HB लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बच्चों का घिरा होता है, इसकी वजह से बच्चों में सुस्ती फटीग जो है वो बहुत ज्यादा आम होती है। तो हमने नर्स जो है वो सिर्फ सर्दियों के लिए रखे हुए हैं, गर्मियों में पता नहीं हमें दांत दाल निकल जाएंगे, खून गर्म हो जाएगा, इस तरह की बातें करते हैं। मैं बाहर के मुल्कों में ट्रेवल करता हूँ गर्म तरीन इलाकों में, तो वहाँ पे वो नर्स 12 महीने खा रहे होते हैं, खजूरें 12 महीने वो लोग खा रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखेंगे थोड़े से नर्स जो है वो आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा ताकत दे देते हैं। खासतौर पर वॉलनट की बात करें तो ये हर इंसान को हर रोज एक खाना चाहिए, ये दिमाग की शक्ल का होता है, आप ये देखें कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल को ये अच्छा करता है, दांत को मजबूत करता है, मैंने सुना बहुत ज्यादा, बहुत के तोड़ने के लिए तो मजबूत दांत चाहिए, बॉडी को आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को ये बहुत बेहतर करता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो हमें बच्चों को जो है ऑफ एंड ऑन देनी चाहिए, बल्कि डेली बेसिस पे दूध का एक गिलास जो है उसमें बादाम थोड़े से डाल दें, ठीक है, थोड़ा सा काजू डाल दें, अगर वैसे नहीं बच्चे खा सकते तो पाउडर कर दें, ठीक है, पाउडर करके एक चम्मच जो है नीम गर्म दूध में, और चीनी बच्चों को ना दें,
ना दे चीनी? ना दें, ये वाइट पॉइजन है, ठीक है जी। इसमें जो कलर दिया जाता है, अगर हम देख लें कैसे बनती है चीनी, हम कभी भी ना खाएं। आपको पता है मैं 2.5 चम्मच पीती हूं एक कप में। नहीं, उसमें उसमें आप कभी जाएं इन मिल्स के ऊपर, जैसे जब ये गन्ना क्रशिंग हो रहा होता है, कई दफा बिल्ली कुत्ता आता है वो भी बीच में क्रश हो जाता है, और बहुत गंदगी है। ये मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है। उसमें ये है कि ये वाइट पॉइजनिंग है, और ये बच्चों के जिस्म से कैल्शियम निकाल देता है। और ब्राउन शुगर या काली जो शक्कर है, देसी शक्कर, गुड़, वही देसी गुड़ या शक्कर जो है, ये आप बच्चों को दो। जो बच्चे दही या चीनी डाल के खाते हैं वो उसी तरह ही निकल जाता है, कैल्शियम उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। तो कोशिश करें कि अर्लियर एज में हम देखते हैं कि बच्चों के टीथ कैरीज होते हैं, फीडर में ही बच्चे जो बच्चों को 6-6 चम्मच चीनी डाल के दे दी जा जाती है, तो बच्चों के दांत काले होना शुरू हो जाते हैं जब दूध के दांत होते हैं, बिल्कुल। तो ये चीनी ही की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों को नट्स की तरफ दें, प्रोटीन डाइट दें, ठीक है, और आलू में बड़ी ताकत होती है, और फ्रूट्स को मुख्तलिफ शेप में बच्चों को बना के दें। बच्चे आजकल फ्रूट्स भी नहीं खाते। माया इतनी मेहनत कैसे करें? मेहनत से मतलब ये है कि पहले माया ज्यादा मेहनत करती थी। पहले तो बच्चों को मालिश किया जाता था, ठीक है, मैं देखता हूँ महीने में 2 दफा देसी घी सरसों के तेल से मालिश करके नहलाया जाता था। आजकल तो कोई माया करती भी नहीं। तो ये जितनी मतलब आप लोग खुद सीजनल फ्रूट और सब्जियां जो हैं हर इंसान को खानी चाहिए, ठीक है, स्टॉक किए हुए फ्रूट और सब्जियां नहीं खाना। अल्लाह ताला ने हमें दी है। जब सीजन जा रहा हो वो फ्रूट नहीं खाना चाहिए और वो सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा विटामिन जो है उसमें मिलते हैं जो सीजनल फ्रूट और सब्जियां। सही, बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा पोलियो की मैं अर्लियर स्टोरी अपने देखने वालों को बता दूं कि 1940-1950 में जो है अमेरिका में इसका बहुत ज्यादा जो है वो केसेस आ गए थे, और एक तरफ उन्होंने बम रखा हुआ था, एक तरफ जिनको पोलियो हुआ था वो पेरेंट्स खड़े थे अपने बच्चों को लेके, उन्होंने कहा हमें बम से डर नहीं लग रहा, पोलियो के बच्चों से डर लगा कि इनकी जिंदगी क्या रहेगी। फिर 1954-1955 अप्रैल में जो है दो साइंसदान थे, उन्होंने क्या किया कि इसके जो है वो पोलियो वायरस को लेकर ना एक ने उसको डेड कर दिया, डेड करके तो उसको इंजेक्शन के जरिए बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, अच्छा, पोटेंटाइज करके, ठीक है, और दूसरे जो साइंसदान थे उन्होंने क्या किया कि उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वायरस की, जो बीमारी पैदा करती थी, उसको सेमी डैमेज कर दिया। ओके, दोनों एक दूसरे के जो है वो लॉ से जो है वो मुत्तफिक नहीं थे, अपनी अपनी वो तैयारियां कर रहे थे। तो वो डॉक्टर स्टॉकिस जो थे वो बहुत ज्यादा आगे की तरफ गए, और उनको बड़ी कामयाबी हुई जब वो लोगों को ये भी डर लगना शुरू हो गया कि वायरस शायद अंदर इंजेक्ट होगा तो अलाइव ना हो जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ। तो उसमें ये है कि 5 साल से पहले पहले जो 9 से 12 बीमारियां हमारी EPI प्रोग्राम्स में है वो बच्चों को जो है वो जरूर करवाना चाहिए, तो उसमें इम्यूनिटी आपकी जो है वो इन्हांस होती है, और 18 से 21 दिन के अंदर जो है इम्यूनिटी पैदा होना शुरू हो जाती है। जो अभी कैंपेन पोलियो की 15 अगस्त से शुरू हो रही है, तो हर बच्चे को मैं तो कहता हूँ बड़ों को भी पी लेना चाहिए, क्योंकि जब हम जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं ना तो हमें वो छोड़ते नहीं है। अच्छा, वहाँ वो देते हैं पोलियो के ड्रॉप्स भी देते हैं? सब सबको देते हैं, और वो इस तरह हमें घेर रहे होते हैं जैसे मुर्गियों को घेरा जाए, निकलने ना पाए। तो बड़ा मजा आ रहा है इनसे बात करें, है तो टॉपिक सीरियस, लेकिन हम कोशिश करें हल्के फुल्के अंदाज में आपसे बात करें। एक कॉलर है मेरे ख्याल से जी, प्रोग्राम में इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसा है जी? जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से, आप कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। आपने नाम बताया अपना, मुझे मुझे आवाज नहीं है कि नहीं बताया? हाँ जी, मैंने नाम बताया, हाजी बल्कियाज। क्या क्या कह रहे? हाजी बल्कियाज। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और सवाल क्या होगा आपका फखर भाई? मेरा सवाल ये है कि ये पोलियो के ऊपर जो बात चल रहा है ना, हाँ जी, ये किसी ने देखा नहीं है? अगर मेरी तरह जैसा देखा ना तो वो खुद रोडों पे भाग के और पोलियो वाला ढूंढेगा। मुझे समझ नहीं आया। मेरा भतीजा पोलियो ने मारा ना, जो मेरे ऊपर गुजरा, मगर सारा 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 नाराजगी मेरा आलम-ए-दीन से है। पूरा आलम-ए-दीन जो है ना, दूसरा बात नहीं है, ये फलाना चीज है, ये फलाना चीज है। मैं जब 6वीं में स्कूल पढ़ता था तो पहले ये चिचक का बीमारी था, उस वो एक वबा था, इसमें लिखा हुआ था आखिर किसी ने चिचक का बीमारी देखा 1000 इनाम है, क्यों इसका दवा आया और सबने इस्तेमाल किया, अभी चिचक का बीमारी कहाँ है? आप समझ रहे बात इनकी जो करना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो बात ये है कि मैं सबको ये प्लीज अदब से बोलता हूँ कि अल्लाह के लिए अपने बच्चे पे रहम करे,
ये इस्लाम का जो ठेकेदार लोग है ना, ये इस्लाम के नाम पे इस्लामाबाद जाना मांगता है। गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे, सही कह रहे हैं। इस्लाम के ठेकेदार लोगों का बातों में नहीं आओ, सही। ये एक बीमारी है और जिस पे गुजरा है उसको दुख और तकलीफ उसको मालूम है, उनको पता है। फकर भाई बहुत आपने अच्छी बात की, सवाल मैंने करना था लेकिन आपने बड़ा अच्छा टॉपिक पॉइंट उठाया ये, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत के साथ रखे। आपका हो बाकी मेरा मेरा तीन भतीजे है। जी मेरा तीन मेरा तीन भतीजे है, एक प्रोफेसर डॉक्टर है, जबरदस्त, अबीदुल्ला नाम है, वो जनूबी वजीरिस्तान वाना में है, एक पेशावर हॉस्पिटल में है। अच्छा। और एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बकाखेल शमामात जो, क्या बात है जी, जबरदस्त फैमिली आपकी। तो उसमें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक उज्बेकिस्तान में पढ़ रहा है, जबरदस्त मेडिकल पे गया हुआ है। अच्छा। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और जो पढ़ते नहीं है वो ऐसे ही अंधेरे में रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अंधेरे में रहेगा और इस्लाम का ठेकेदारों का सुनेगा। नहीं अब हम नहीं करने देंगे, हमने कैंपेन का हिस्सा बने इसलिए कि आप तक पहुंचाएं। जो आपने बात कही है बहुत अच्छी, उन्होंने बात कही कि जो मिथ्स बना दी जाती है इस्लाम को साथ कनेक्ट करके, दोनों आप हवाले से इस बात कीजिएगा प्लीज। हमेशा जो है पाकिस्तान और स्पेशली जो लेक ऑफ एजुकेशन वाले एरियाज हैं, जितने भी रीजन्स हैं, वहाँ पे कोई नई चीज आती है तो उस हवाले से कंस्पायरेसी थ्योरीज जो है वो बड़ा कोरिलेट कर रही होती है और लोग जो है उस चीज को एक टूल के तौर पे यूज करते हैं और फिर जो है ना जो अनअवेयर पॉपुलेशन है वो उससे उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। तो पोलियो के हवाले से मैं बताता चलूं, डाइट का तो जैसे सर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन इन्होंने किया, लेकिन जो डाइट है वो तो एक प्राइमरी चीज है, आपने करना ही करना है। लेकिन पोलियो के हवाले से जो प्रिवेंशन के हवाले से मैं बात करूं, वो सबसे जरूरी जो चीज है वो वैक्सीनेशन है। बिल्कुल, अपने बच्चों को जो है चार डोजेस जो वैक्सीनेशंस होती हैं, एक बर्थ पे होती है, दूसरी जो वैक्सीन होती है वो सिक्स वीक्स पे और फिर 10th और फिर 14 वीक्स में, चार जो EPI स्केजुअल में इंक्लूडेड हैं वो लाजमी करवाएं, क्योंकि हमेशा जो है वायरल डिजीजेस वैक्सीन से इरेडिकेट होती है, ना कि डाइट से, ना कि किसी और चीज से। और इसकी कोई कीमत भी अदा नहीं करनी पड़ रही है। WHO और जो फाउंडेशंस हैं, CDC है अमेरिकन और बिल गेट्स की, इवन बिल गेट्स बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें अपनी फाउंडेशन के तहत, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है WHO हमारे हॉस्पिटल में भी जितने भी केसेस आते हैं जो सस्पेक्टेड पोलियो होते हैं उनको भी जो है हमने WHO ने इवन अपने नंबर्स जो है पोलियो इरेडिकेशन ऑफिसर्स हैं, यहाँ इस्लामाबाद में भी 6-7 लोग हैं WHO की तरफ से डॉक्टर्स हैं, उनको इन्फॉर्म करना होता है, इवन घर तक जाके उनका सैंपल वो लोग ले लेते हैं, वैक्सीनेशन उनकी फ्री है। उसके अलावा जो है जितने भी टेस्टिंग है, स्टूल सैंपल हो, ब्लड सैंपल हो, एग्जामिनेशन हो, डॉक्टर्स चेकअप, सारा कुछ WHO और बाकी एसोसिएशंस फ्री करवा रही है। तो हमें जो चीज़ हमें चाहिए वो ये है कि जो कोल्ड चेन है वैक्सीन की, उसको हम जो है उसकी जो हेल्थ वर्कर्स के अंदर उसका उसकी अवेयरनेस हम ये करें कि इफेक्टिव वैक्सीन जो है 2-8 डिग्री पे है, तो उसकी कोल्ड चेन आपने मेंटेन करनी है और जो जिन एरियाज में अवेयरनेस की कमी है हम वहाँ पे कंपेन्स करें और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम बताएं। बल्कि मसाजिद को और मैं कराम को शामिल करना चाहिए, जैसे मैंने देखा था लास्ट टीवी कैंपेन में वो शामिल थे कि वो बताएं कि इसका किसी किस्म की जो जो जुड़ी हुई जो कोई ताल्लुक नहीं है। ये जब से शुरू हुआ है अगर हम उन बात पे चले जाएं तो बहुत सारे उलमा इकराम पहले मना करते थे। अच्छा। कि ना किया जाए, बच्चों को ना पिलाया जाए, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट कर देती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब उनके भी बच्चों के बच्चे हैं। अच्छा। तो बात गलत होगी, बात इधर से खत्म होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है। तो जब आप वही उलमा इकराम जब उमरा हज करने जाते हैं तो वहाँ क्यों पीते हैं? क्यों पीते हैं वहाँ? वो छोड़ते नहीं है एक बंदे को, वो कहते हैं जहाज में बैठो वापस जाओ। होना चाहिए जरूर। तो ये है कि जब भी ये टीमें आपके घर में है हर दफा बच्चों को जो है वो आप दो कतरे आपकी जिंदगी जी बिल्कुल वो आपकी लाइफ को जो है वो बचाते हैं। तो आप यकीन करें मैं कई दफा खुद भी पी लेता हूँ। मिठाई की तरह नहीं, पता नहीं क्या वजूहत हो सकती है कि आपके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम। अब ये होता ये कि ओरल फिकल रूट की वजह से ये हमारी इंटेस्टाइन में वायरस जाके बैठ जाता है, ठीक है, वहाँ से जो है ये मुख्तलिफ सेल्स में पहुँच के जो है हमें पैरालाइज कर देते हैं हमारे बच्चों को, ठीक है, उसमें लेग्स में हो सकता है, आपकी आर्म्स में हो सकता है, आपकी गर्दन स्टिफनेस हो सकता है, किसी भी हिस्से में हो सकता है, आपके सेल की तबाही वो कर सकता है और इंटेस्टाइन में जो है
वहाँ पे जाके ये बैठ जाता है। कितना अर्सा लगता है इसको एक्टिव होने में? ये मतलब 2 से 3 हफ्ते में जो है वो इसके साइन एंड सिम्टम्स ये होते हैं कि बच्चे को हाई ग्रेड फीवर होता है, वॉमिटिंग होती है, फिर उसके बाद आपका बच्चा सुस्त बहुत हो जाता है। ठीक, अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो फौरी तौर पर जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इनके पास सारा कुछ मौजूद है वहाँ पहुँच जाना चाहिए। देखिए हर चीज़ फ्री में है तो फिर भी हम मतलब ख्याल नहीं कर रहे हैं, आपके घरों में किसी मौजज़े का इंतजार करते हैं, आपके घरों में टीमें आ रही हैं। ठीक है, और कई दफ़ा तो देखें हमारे ये मुजाहिदीन है जो घरों में जा जा के करते हैं, मैं इनको मुजाहिदीन का इनके ऊपर हमले हुए कई हमारे मतलब आर्म की बात काट सकती हूं। प्लीज प्लीज, एक कॉलर है जो प्रोग्राम में शामिल करते हैं कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। और कौन प्यारी सी आवाज में बात कर रहे हैं मेरे साथ? जी मैं लाहौर से फातिमा बात कर रही हूँ। फातिमा, बारिश हो रही है लाहौर में? बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा मौसम है रात से। और अच्छा, और सवाल क्या होगा फातिमा आपका? मैंने पहले तो मैंने कहना था कि बहुत अच्छा है कि आप पोलियो अवेयरनेस पे बात कर रहे हैं, पोलियो पे तो बहुत लोग बहुत कम बात करने लग गए हैं, पता नहीं क्यों होता कि करनी चाहिए इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे ना असल में बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं मेरे, लेकिन छोटे छोटे, एक अभी 7 मार्च की, लेकिन मैं जो दूसरी वैक्सीनेशन है ना उसके मुतालिक पूछना चाहती हूँ कि मैंने उनको कुछ जरूरी नहीं समझा, मतलब मैंने लगाई, मतलब उसके उसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि वो किस कदर जरूरी है, कि मैंने इतना पोलियो के जिसको मैं पूरे करवाती हूँ, जो पिलाने आते हैं वैसे भी ठीक है करती हूँ, लेकिन दूसरी वैक्सीनेशन जो है ना उसको मैंने रेगुलर नहीं करवाया। दूसरी वैक्सीनेशन तो नहीं करवाई उन्होंने। बेटी की उम्र कितनी है आपकी? एक बेटी मेरी जो है वो 2.5 साल की है और एक बेटी जो है वो मेरी जो है 8 माह की है, 7 माह की। इनकी इन्होंने वैक्सीनेशन पूरी नहीं करवाई, और क्यों नहीं करवाई? बस यही कि मसरूफियत की वजह से टाइम गुजर जाता था, जाया नहीं जाता था डिस्पेंसरी तक, बस ये जो है ना परवाह नहीं की ये क्या ने। हाँ अच्छा जी, अब मैं जवाब नहीं दूंगी डॉक्टर साहिबान, सुनिएगा जरूर, अल्टरनेट बता दें कि अब हम क्या करें, बताते हैं अभी आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए फातिमा, प्रोग्राम देखिए आपको जवाब देंगे तफसील से डॉक्टर साहिबान हमारे। जी आप में से कौन पहले जवाब देगा? इसमें ये है कि इन्होंने गलती की है जो बच्चों को, ऐसा नहीं, मगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी ये भी बात करूँ कि जो हमें 2 साल में EPI प्रोग्राम में जो वैक्सीन्स लगती हैं वो बीमारियाँ हमें ज़िंदगी में फिर भी होती हैं, इतना खौफनाक मीज़ल मीज़ल देखें फिर भी हो जाता है, मुझे भी लगा फिर भी हो गया, वूपिंग कॉफ फिर हो जाती है, टाइफाइड लगी है तो आपने नहीं, उसकी वजह यह है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें जो है टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ, अमेरिका कनाडा से जो है वो आपकी वैक्सीन चली, वहाँ पे बड़ा अच्छा उन्होंने मेंटेन किया हुआ था, ठीक है, फिर जहाज में गई तो थोड़ी गड़बड़ होगी, फिर यहाँ पे जो लेने गए हमारे हेल्थ वाले बंदे वो भी थोड़ी गड़बड़ कर गए, फिर जो डोर टू डोर गए वो भी थोड़ा सा कर गए, तो ये चीजें हमें बड़ी जरूरी देखनी होंगी कि हम वाकई वो अच्छे कतरे हमें पिला रहे हैं। अब ये दे सकती है कतरे? दे सकती है, क्यों नहीं दे सकती, MMR की जो है मीजल्स और रिबेला की डॉक्टर वो ये वैक्सीन जो है अपने बच्चों को दे रहे हैं। वैक्सीनेशंस पोलियो जो है इनिशियली पैदाइश के बाद ही देना है, लेकिन ये है कि जिंदगी के किसी भी टाइम आप दे सकते हैं। ड्रॉप्स अंडर 5 जो है 95% पोलियो के केसेस अंडर 5 ईयर्स में आते हैं, ठीक है, ठीक और रिपोर्ट किए गए हैं, तो जिसकी वजह से ये इजिली दे सकते हैं। मज़ीद डिले ना करें फातिमा, वैक्सीनेशन सेंटर जाएं, वहां से इनको API स्केड्यूल मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग सारी वैक्सीनेशंस ये दोबारा से करवा सकते हैं। बिल्कुल जी फातिमा, वरना फिर एक इंजेक्शन आपके लिए भी तैयार होगा हमारे पास। अच्छा मैंने यहीं से लाहौर भिजवाना है इंजेक्शन, ऐसे करके आएगा वो। अच्छा मैं चाय नहीं पी रही हूँ, मेहमान के लिए चाय भी तक नहीं आई है, तो मैं जाके आप पी सकते? नहीं नहीं ठंडी होगी, ठंडा पानी बिल्कुल शीरा बन गया है, तो हम यहाँ पे ले गए छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। आप देख रहे हैं खूबसूरत से मॉर्निंग शो K2 से, हृदय इमरान के साथ, हमारे साथ रहिए। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 सहर। फैसला आज करना है अगर बच्चे ने चलना है, यह है जनाब स्लोगन जो कि पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए चूज़ किया गया है, और बड़ी सच्ची बात है, बड़ी खड़ी बात है कि बच्चों को अल्लाह ताला सलामत रखे, सेहत के साथ सलामत रखे, चलते फिरते खेलते दौड़ते अच्छे लगते हैं। बच्चे की डेफिनेशन ही यही कि हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता शरारतें करता हो,
अंदाजा लगा ले जो फखर भाई की कॉल आई थी हमें दुबई से, वो खुद इससे गुजर चुके हैं और उनका एक लफ्ज़ एक जुमला बड़ा सकता कि जिस पे गुजरती है उसको पता होता है कि दर्द क्या है, तकलीफ क्या है। ख़ास तौर पे बच्चा तो चलो जो सह रहा होगा, जो माँ बाप हैं वो लापरवाही ना करें। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये जो पोलियो वायरस है वो मौजूद है। लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक 14 नए केसेस जिसमें एक लकी बरवत में केस है वो सामने आया है। हालिया बारिश और सैलाब की वजह से भी सीवरेज लाइनों में ये वायरस जो है वो पाया जा रहा है या मौजूद है। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन हमारे लिए। अगर अपने मुस्तकबिल को हमने महफूज करना है, अपने बच्चों की शरारतों को बहाल करना है, घर की रौनकों को कायम रखना है, तो आपने अपने बच्चों को पोलियो के ये कतरे ज़रूर पिलाने हैं। मैं शुक्र गुजार हूँ कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद और डॉक्टर तनवीर, एक्सपर्ट हैं जी, आप सब इनको जानते हैं, इनसे बेहतर इस वक्त पोलियो के हवाले से कोई बात कर नहीं सकता है। डॉक्टर साहब, अच्छा लग रहा है कि लोग कॉल करके अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, लेकिन ये जो सीवरेज लाइन में पोलियो वायरस पाया जा रहा है, ये इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही जी। जब बच्चा फीसिस पास करता है तो वो फिर ये के चला जाता है, ठीक है। उसमें ये है कि इसकी एग्जांपल इसी तरह आप भी देखें कि रिमोट एरियाज में अभी भी लोग खेतों में चले जाते हैं स्टूल पास करने के लिए। वहाँ पे अब आप देखें कि गाजर मूली सब उग गया, ठीक है जी। जब वो गाजर मूली आपने खा ली बगैर धोए हुए तो वो फिर शिफ्ट होती है। मतलब ये छोटी छोटी सी एहतियातें जो मैं बताना चाह रहा हूँ अपने देखने वालों को कि आप ये देखें कि आप इस चीज़ को किस तरह रेडिकेट कर सकते हैं। हम अपने मुल्क से सबने मेहनत करनी है। फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट जो अमेरिकन सदर थे उनको भी पोलियो था जी, ठीक है। देखें वो कितने बड़े ओहदे पे चले गए। बिल्कुल डिसहार्टना हो, एक चीज़ होगी है तो अगर आपका एक बच्चा जो है वो सफ़र करता है तो समझे पूरा ख़ानदान सफ़र करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये है कि उसको हिम्मत के साथ आगे लेके जाएं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो बड़ी बड़ी पोस्टेड पोस्ट पे हैं इसके पोलियो के साथ, ठीक है। मगर आप ये देखें कि जो गले सड़े फल हम खा लेते हैं, हाथ धोने की बच्चों को तरगीब देनी चाहिए कि ये आप कोशिश करें कि इतने सेकंड तक जो है वो आप 20 सेकंड तक 30 सेकंड तक, बच्चे तो पानी डालते हैं और एकदम आ जाते हैं। तो आपके नेल कटिंग होनी चाहिए, प्रॉपरली नेल कटिंग होनी। और बच्चों को सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग बच्चों को डीवर्म नहीं करते। बच्चों की डीवर्मिंग हर 3 महीने बाद डीवर्म करना चाहिए और बड़ों को साल में 2 दफा डीवर्म होना चाहिए। ये मैंने पहली दफा सुना है। नहीं सुनना चाहिए, वो ये है कि बड़ा जरूरी है। डॉक्टर साहब मतलब एनिमल्स का तो मैंने सुना था बिकॉज़ मेरे पास बिल्लियां हैं। बच्चों के लिए ये सैनिटेशन के हवाले से मैं बात करता चलू। जो पोलियो वायरस है वो है ही बेसिकली ह्यूमन वायरस है और ये जो है स्टूल्स के जरिए फैलता है। स्टूल्स की वजह से जो पोलियो वायरस जो है, सैनिटरी कंडीशंस अच्छी ना हो या फिर हमारा हाइजीन जो है वो अच्छा ना हो तो जो सैनिटरी जितना भी हमारा सिस्टम है वहाँ से जो है ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है। उसके बाद ह्यूमंस के जीआई ट्रैक में सबसे ज़्यादा इसकी कॉलोनाइजेशन होती है और वहाँ से फिर जो है सीएनएस की तरफ ट्रेवल जो करता है उसके बारे में जो है 2-3 हाइपोथेसिस दिए गए हैं। उसमें एक तो ये है कि ब्लड से सीधा सीधा कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्रेन में ये चला जाता है। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ब्लड से जो है जो पेरिफेरल टिश्यूज होते हैं जैसे मसल्स वहाँ चला जाता है, उसके बाद जो है ब्रेन में जाके फिर आहिस्ता आहिस्ता पैरालिसिस ये करवाता है। तो बेसिकली ट्रांसमिशन का जो सबसे मेन रूट है ये सैनिटरी कंडीशंस अगर हमारी अच्छी हो तो उससे भी बेहतरी आई जा सकती है। उसमें ये देखें कि लोहे की पाइप जो है कई साल पहले लगा दी गई, ठीक है, उसमें अब वो जंग आलूदा हो गई, सफाई नहीं है तो वो गंदे पानी से सीवरेज की लाइनें मिल जाती हैं। तो उसका पीना जो है वो ऑरली आप देखें ना वो भी बच्चों को कम। हमें ये एहतियात करनी चाहिए कि देखना चाहिए कि कैसे हम इन चीज़ों को जो है वो सबसाइड कर सकते हैं। जो पुराने पाइप्स हैं 40-40 साल से हैं, अब वो लोहे का पाइप तो जंग आलूदा होता है, अब जो नई सैनिटरी की लाइंस है वो तो प्लास्टिक की बिछ रही है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया जो नए घर बन रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें देखनी है कि अगर हम अब एक घर में ऐसे रह रहे हों जहाँ पर 30-40 साल हो गए हमें रहते हुए और पाइप डेफिनेट जब लोहे की चलती है वो भी देखना चाहना चाहिए। तो वो ये है कि हमें देखना चाहिए कि कितना हम जो है इन चीज़ों का सद्देबाप कर सकते हैं। अच्छा, 1 से 5 साल बड़ी फ्रजाइल एज होती है जबकि बच्चा एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता उसके साथ हो क्या आ रहा है, तो माँ बाप किस तरह विजिलेंट रहे, नजर रखें। आपने बताया था कि तेज बुखार होते हैं। दो चीजें हैं पोलियो में जो है 70 सबसे बड़ा जो अलमिया है पोलियो का वो ये है कि 70% ऑफ केसेस बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई निशानी कुछ नहीं होता, कोई निशानी नहीं होती। 20 से 24% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मामूली सा बुखार हुआ और जो है बच्चा वैसे थोड़ा सा कमज़ोर हुआ। 0.1 से 0.5% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सीवियर सिम्टम्स आते हैं।
तो 70% और फिर 24 आप कर लें तो ऑलमोस्ट 99%+ जो है ऐसे हैं जिनमें सिम्टम्स का बिल्कुल सिम्टम्स जो है सबसाइड होते हैं, नज़र ही नहीं आते. तो वैक्सीनेशन जब हम करवाएंगे, मैं शुरू से ही यही वैक्सीनेशन पे इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि वैक्सीनेशन हम जब करवाएंगे तो इस चीज़ से हम बच सकेंगे, क्योंकि 70% ऐसे होते हैं केसेस जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. दूसरी चीज़, एक दफ़ा पोलियो इन्फेक्शन किसी को हो गया, बिलफर्ज पैरालिसिस उसमें ना हुई, फालिज ना हुआ, फिर भी 6 हफ्ते तक वो जो है पोलियो वायरस को एक्सक्रीट करता रहता है अपने फीसिस के, 6 हफ्ते तक, तो जिसकी वजह से पोलियो केसेस फर्दर फैलने के चांसेस होते हैं. और एक जो क्लिनिकल एविडेंट केस आता है पोलियो, जैसे अब पूरे पाकिस्तान में एक केस आ गया है, कुछ लोग कहते होंगे कि सिर्फ एक ही केस तो आया है, क्यों नहीं हमें पोलियो फ्री कर रहे हैं. उसकी रीज़न ये होती है कि एक पोलियो केस जो एविडेंट होता है, आइसबर्ग एक फेनोमिना होता है, जी, एक जी, जी. जैसे वो आइसबर्ग 99% नीचे डूबा होता है, 1% ऊपर होता है, तो एक पोलियो केस के पीछे जो है 1000 सब क्लिनिकल केसेस होते हैं छुपे जो नज़र नहीं आते हमें. तो कितना बच्चा क्योर हो जाएगा वैक्सीनेशन और पोलियो ड्रॉप्स लेने के बाद? मतलब वैक्सीनेशन जो है, जो डेड वायरस सर ने जो बात की, जो इंजेक्टेबल है या जो दूसरा जो है हम पिलाते हैं कतरे ओरल वैक्सीन है, उससे 95 से 99 और इवन 100% तक भी अगर हम 4 डोजेज लगाएं तो क्योर उसका है. अच्छा, प्रिवेंशन, क्योर तो नहीं कहेंगे, प्रिवेंशन हम इसको कहेंगे, 99 to 100% भी इसकी जो है प्रिवेंशन है वैक्सीन से. तो वैक्सीनेशन के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए, इसका जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़रूरी है उस हवाले से अवेयरनेस कैंपेन्स, और बच्चे के लिए इसकी अहमियत का जो है ना उनके पेरेंट्स, उनके बड़े, उनके गार्डियंस, उनको जो है समझाएं, हेल्थ सेशंस हों, सिम्पोजियम्स हों, सेमिनार्स हों, पोलियो वॉक्स हों, मीडिया में जो है जैसे आप लोगों ने बड़ी अच्छी काविश में इसको समझता हूँ कि K2TV हमेशा जो है, जब कोविड आया था उस टाइम भी शुरू का वक्त था, यहाँ पे 1.5 घंटे का हमने प्रोग्राम किया जिससे लोगों को फायदा हुआ. तो इसी तरह डिफरेंट जो जितने भी मीडिया हाउसेज हैं पाकिस्तान में, उन सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मीडिया बड़ा देखते हैं आजकल डिफरेंट चैनल्स, लेकिन ऑलमोस्ट मैक्सिमम आबादी जो है पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की, वो मीडिया को देखते हैं, फॉलो करते हैं, उसका असर लेते हैं. तो इस तरह की कैंपेन्स जब मीडिया हाउसेस में भी वॉक्स, सेमिनार्स और चीज़ें होती जाएंगी, तो इंशाल्लाह जो है फ्यूचर में जो है हम पोलियो फ्री हो जाएंगे, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. इसके साथ साथ स्कूल्स और कॉलेजेस में जो है लेक्चर्स होने चाहिए डॉक्टर्स के, क्योंकि अर्लियर ही, और उसमें पेरेंट्स की हाजिरी ज़रूरी है. मतलब 2-3 महीने बाद एक आप कैंपेन ऐसी करें स्कूल कॉलेजेस में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट के हों, वहाँ पे पेरेंट्स को ज़रूर बुलाया जाए, क्योंकि छोटे बच्चों जब घर में हैं तो जब आप पेरेंट्स को समझाएंगे चीज़ें तो वो छोटे बच्चों के लिए वो चीज़ें जरूर. बिल्कुल बिल्कुल. तो जनाब फैसला आपने आज ही करना है, अगर कल बच्चे नहीं चलना है, अल्लाह ताला आपके बच्चों को भी सलामत रखे. पोलियो के से बचने के लिए अपने बच्चों की वैक्सीनेशन कराइए, और जो पोलियो की टीम्स आ रही हैं उसको इरेडिकेट करने के लिए उनसे तआवुन कीजिए. 2 कतरे जो हैं ज़िंदगी के कतरे हैं जबकि बच्चों को देने बहुत ज़रूरी है. खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्चे को पोलियो की निशानदेही उसमें हो जाती है तो फिर वालदैन को क्या करना चाहिए? देखें, वो तो जैसे बताया गया है कि जितनी कैंपेन्स अगर चलती हैं, अगर आपके बच्चे को पोलियो हो भी गया है तो वो 2 ड्रॉप्स आपने ज़रूर दें, उसके बावजूद भी देने, उसके बावजूद भी देने, ये नहीं कि जब तो पोलियो हो गया क्या फ़ायदा. उसके ये है ना कि मज़ीद उसको कोई पैरालाइज ना हो. जो एक टांग है तो खुद वो अल्लाह करे कि वहीं पे उसका जो है बढ़ सकता है, बढ़ भी सकता है ना. तो उसमें ये है कि पूरा नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज उसको करते हैं, उसको मैसेज पहुंचते ही नहीं है. ठीक है, तो वो फिर ये है कि हेमाफ्लिजिया, पैराफ्लिजिया, ऊपर के धड़का फालिज, नीचे का धड़का फालिज, तो ये पूरा खानदान जो है वो सफर. मेरे ख्याल से ये मौत से बदतर है कि इंसान ना जी रहा होता है ना मर रहा होता है, ये बहुत तकलीफ दे चीज़ होती है. बस ये देखें कि अभी साइंस ने कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, और अभी 87 के बाद कोई ख़ास एंटीबायोटिक नहीं बना सके. अच्छा, पाकिस्तान में खास तौर पे और वायरसेस बहुत स्ट्रॉन्ग आते जा रहे हैं. आप ये देखें कितने वायरसेस स्ट्रॉन्ग आ, अभी ये कोरोना की बात करें तो उसकी भी बूस्टर डोज लग रही है. जी, जी, जी. या तो ये हो कि एक डोज के बाद आप ठीक हो जाए, मगर बूस्टर डोज का कहा जा रहा है, उसकी वजह यही होती है कि 6 से 8 महीने में आप बूस्टर डोज की तरफ आपको जाना पड़ता है, क्योंकि वायरसेस स्ट्रॉन्ग हो गए. बिल्कुल, तो हमें ये करना. वायरस तरक्की ज्यादा कर रहे हैं और हम जो पीछे पीछे भाग रहे हैं. एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करिए, वेलकम कर दीजिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. खुश आमदीद कहेंगे जी आपको. कौन भाई बात कर रही हो, कहाँ से? अब मैं इमारात से बात करता हूँ, सऊद खान. सऊद भाई खैरियत से हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अच्छा, क्या बात करेंगे, क्या सवाल करेंगे, इतनी दूर से आप कॉल कर रहे हैं? अपने पोलियो की डोज की बात किया ना थोड़ा सा। जी जी जी, पूरा प्रोग्राम में ये बात सुन रहे, उसकी वजह से मेरा एक भाई नहीं है। अच्छा, वो भी पोलियो का शिकार है, वो इसका पाँव जो है वो भी पोलियो की वजह से एक पाँव खराब है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ये जो भी इसको इस्तेमाल नहीं करता है वो उसका पाँव है जो भी है खराब हो जाएगा, वो इसका खुद जो है क्या बोलते है जिम्मेदार है। जी जी, कहें, बात करें आप। जो भी ये पोलियो पूरा से इस्तेमाल नहीं करता है वो इसका खुद जिम्मेदार है, ये उस खुद जिम्मेदार है। गलती है। ठीक ठीक, सही कह रहे हैं। आपके भाई की कितनी उम्र है? अभी हमसे बड़ा है, हम इधर आए हैं, वो मुल्क में है। अच्छा, पोलियो के कतरे वगैरह दिए गए थे उनको? हाँ, कतरे दिया था, फिर ड्रॉप हो गई। ये कहना तो सही है कि जो नहीं पीता वो खुद जिम्मेदार है। बाकी यही बार बार टेलीविजन के थ्रू, लोगों के लेक्चर्स, वॉक के थ्रू यही मैसेज दिया जाता है कि दो कतरे जो है आपके बच्चे की जिंदगी बचाते हैं। बिल्कुल, तो वो डिसीजन आपने आज लेना है, कल नहीं लेना, बिल्कुल कल कभी नहीं आती। बिल्कुल सही, तो कह रहे हैं। जो आपके पास ये मुजाहिदीन आए, इनकी चाय शाय भी पकाए, हाँ। खाना भी खिलाए इनको, ये बहुत बड़े लोग हैं मेरी नजर। बिल्कुल, खवातीन भी शामिल है, खवातीन भी शामिल के इलाकों में जाते हैं खवातीन, और जो इन लोगों पे हमले करें उनको मैं कहता हूँ सारे आम सजाएं देनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे वर्कर्स के ऊपर मार दिया गया। जी, उनकी देखिए जान खतरे में डाल के अपने लिए कोई कर ले तो कर ले, दूसरों के लिए कौन मार दिया गया। अब दो लेडीज होती हैं, चार पुलिस वाले साथ होते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है, सिविलाइज कौमों का ये तरीका बिहेवियर नहीं। मैंने ऐसे वीडियो क्लिप्स देखी हैं डॉक्टर साहब, जिसमें खवातीन चीख रही है, नहीं पिलाएंगे बच्चों को कतरे, भाई तुम उल्टा एहसान कर रहे हो, तुम्हारे बच्चों के लिए हम ये सब कर रहे हैं, कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये चीजें जो है ये सिविलाइज कौमों में अच्छी चीज नहीं है कि आप अपना काम जो है वो दूसरों पे तो ना छोड़े ना। मैं को ये ना बोले कि दाल पकाई थी वो भी हांडी जो है वो गिर गई। हम बात करें जी आपसे पोलियो के हवाले से, हमें कॉल कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। इन बहुत ही मुनफरिद प्रोग्राम है, हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे प्लेटफॉर्म में जहाँ पर हम आपको एजुकेट ना कर सकें, आपको तालीम ना दे सकें कि भाई सेहत कितनी लाजमी चीज़ है, माँ बाप अपने पर लापरवाही कर सकते हैं, बच्चों पर ना करें, ये आपका मुस्तकबिल है, इन्होंने आपको संभालना है बड़े होके। तो जब बुढ़ापे में जाके आप ही बच्चे को उठा बिठा रहे होंगे तो वो कितना तकलीफ दे मरला होगा, अल्लाह ना करके वक्त किसी पर आए तो अपने बच्चों को पोलियो के दो कतरे लाजमी पिलाएं। परेशान कुन सूरत हाल ये है कि अभी पाकिस्तान में 14 केसेस मौजूद हैं, ये डॉक्टर तनवीर ने भी बात की है। सोचने वाली बात है, क्यों है, कहाँ से आए, उन तमाम चीज़ों से दूर रहना है, उन रस्तों से दूर रहने जो कि हमें पोलियो की तरफ लेके जा सकते हैं। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो मुझसे रह गई हो और आप चाहते हैं दोनों कि उस पर जरूर रोशनी डाली जाए तो प्लीज उसको जरूर डिस्कस कीजिएगा। जो FIRs के हवाले से मैंने बात की, हाँ जी, जैसे KP में 2015 में एक हुआ था कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे उन पर जो है FIR वाली बात, और गवर्नमेंट की तरफ से मैं एक बात करूँगा उस जी जी। इस कॉन्टेक्स्ट में, और सर ने जो बात की कि उनको सजाएं देनी चाहिए, गवर्नमेंट कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमारा पूरा एरिया बदनाम हो जाता है, हमारे बच्चे पैरालाइज होते हैं, तो पोलियो के हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि जो वैक्सीन ना लगवाए उस पर रिस्ट्रिक्शंस हों, FIRs हों, और इस तरह की और चीजें भी होनी चाहिए। बिजली कार्ड लेकर की कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे रेजिस्ट कर रहे हैं क्योंकि साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, नई कोई चीज आती है तो उसमें सबसे पहला फेज डिनाइल आता है, लोग नहीं मानते, तो हमारा जो डिनाइल वाला फेज है वो बहुत लंबा जा रहा है, तो गवर्नमेंट को जो है ना थोड़ा सा इस चीज को स्ट्रिक्ट करना चाहिए। अच्छा, फिर सोच डिनाइल वाली बात कि मेरे बच्चे को क्यों होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस चीज से निकलना बहुत जरूरी है, सामने रखिए कि हो सकता है इस बच्चे को हुआ, वो भी कोई खास बच्चा नहीं था, एक नॉर्मल बच्चा था, और वही बात डिनाइल में रहना सबसे बड़ी जो होता है ना ये तकलीफ दे चीज होती है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, आप इस बात को कैसे बढ़ाएंगे? देखें, अब हम लोग ग्लोबल विलेज है, एक मिनट में बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लकी मरवत में एक केस हुआ, पूरी दुनिया को पता है, ठीक है जी, 13 से 14 केस पाकिस्तान में कैरी कर रहे हैं, सारी दुनिया को पता चल गया। अब ये देखें कि ये चीजें आपको अभी भी समझाने की जरूरत है। Exactly. मैं तो ये समझता हूँ कि अभी भी आप लोगों को अवेयरनेस नहीं आ रही,
और जो लोग आप देखते हैं अपने गली मोहल्ले में पोलियो के बच्चे किस तरह बेचारे वो जा रहे होते हैं, किस तरह वो चल रहे होते हैं, तो आप लोग उन्हीं को देख के जो है वो अपने बच्चों का ख्याल कर लें। बिल्कुल, छोटी सी बात है कि आप ये देखें कि स्कूल भी कोई बच्चे जा रहे हैं जिनको पोलियो है, अच्छा पढ़ते हैं, मगर देखें कि वो माजूरी लाइफ टाइम है उनके साथ, सर्वाइवल नहीं है, सर्वाइवल कमी तो है, कमी है, वो सर्वाइवल नहीं है। और अनफॉर्चुनेट देखें अगर वो लड़की में हो तो फिर देखें वो उसके लिए कितने मसाइल का सामना है, क्योंकि आजकल जो रिश्तों का सिलसिला चल रहा है वो अच्छी अच्छी लड़कियों के लिए बड़े प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। तो जब ऐसी चीज देखने के लिए जाते हैं तो वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं रिश्ता कर सकते। जाहिरी बात है। तो ये देखें ये सारी चीजें जो हैं ये अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। बड़े अरसे से कैंपेन चल रही है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको नुकसान, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई खर्चा नहीं है। आपके घर में आती में आके आपके बच्चों को कतरे पिला रही है तो फिर सुस्ती आपकी तरफ से, फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे, फिर गिला शिकवा नहीं करना ना अल्लाह ताला से, ना हुकूमत से, ना किसी और से, गलती आपकी अपनी हो जाएगी इसके अंदर। अच्छा, कुछ मैसेजेस हैं हमारे पास जी जो कि वो हम सुनना चाहेंगे। हम चाह रहे हैं कि मुनफिर तरीके से आपको बताएं कि पोलियो कितना खतरनाक वायरस है, उसे किस तरह बचा जा सकता है। आइए कुछ पैगाम देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा टाइम है, कुछ पैगाम इकट्ठे किए हैं आपके लिए, आपको जो है वो दिखाते रहेंगे। और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, कॉल कीजिए, स्क्रीन पर नंबर नजर आ रहा है। हाँ जी, रेडी हो चुके हैं, आइए देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या हैं पोलियो के हवाले से। हमारा ख्वाब रिहैबिलिटेशन जी, बिल्कुल, हमारा ख्वाब पोलियो से पाक पाकिस्तान। अब ख्वाब जो है ना पूरा हो जाना चाहिए, इतना लंबा ख्वाब फिर नाइटमेयर बन जाता है, वो हमने बनने नहीं देना। अपने बच्चों को महफूज रखना है, अपना मुस्तकबिल हमने रोशन करना है, इन्हीं के हाथ में हमारा मुस्तकबिल है। बड़ी अच्छी बात, डॉक्टर साहब ब्रेक में हम कर रहे थे, हम बहुत सी बातें कर रहे हैं, कोशिश करें कि अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। आप लोग हौसला ना हारिए, हर मसले का हल मौजूद है, बस बर वक्त जो है ना फैसला करने का जो है ना वो आप में एक पावर होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आप रिहैबिलिटेशन के हवाले से बात कर रहे थे, सेंटर्स बने हुए हैं जैसे फौजी फाउंडेशन है हमारे यहाँ रावलपिंडी में, तो वहाँ पे भी रिहैबिलिटेशन सेंटर पूरा बना हुआ है, जिन बच्चों को पोलियो उनके लिए टांग बना के दी जाती है। ऐसे डॉक्टर ऐसे ही है सर, ये G8 में निरम हॉस्पिटल में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन मेडिसिंस, तो वहाँ पे जो है ये चीज़ें होती रहती हैं, जिनकी टांग पैरालाइज है उनके लिए टांग जो प्लास्टिक वाली बना के, ताकि उसका यूसेज जितना ज्यादा होगा तो विद टाइम जो है कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है, नो डाउट, क्योर नहीं है, लेकिन ये है कि उस चीज को हम ना थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है बेहतर कर सकते हैं। जैसे शूजों में पतावा रख दिया जाता है, उसकी एड़ी जो है एड़ी बाजफा नहीं लगती है। अच्छा जी, ठीक है, तो वो जो है इस तरह के शूज बना दिए जाते हैं कि उसकी एड़ी कंफर्टेबल हो जाती है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बाहर के ममालिक में ये रिहैबिलिटेशन बहुत महंगी है, हमारे मुल्क में इतनी महंगी नहीं है, तो जरूर आप अपने बच्चों को ले जाएं। अच्छा, उन्हें काउंसलिंग भी की जाती है? जी बिल्कुल, बताया जाता है वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे G8 का बताया, वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त डॉक्टर्स भी हैं, तो जाना होता है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अच्छा, फिर फौजी फाउंडेशन में तो बहुत ही बड़ा इन्होंने बनाई हुई है रिहैबिलिटेशन सेंटर। जी बिल्कुल, तो अच्छा, वहाँ अच्छा। पे अपने बच्चों को अर्लियर ही आप ले जाएं, ताकि आपके बच्चों को वो देख के साइज करके वो चीजें बना के देते हैं, तो बेहतरी भी आना शुरू होती है कुछ लोग, तो जरूर कम्फर्टेबल लाइफ के लिए, लॉन्ग लास्टिंग के लिए ये चीजें हमें करनी, मतलब जो हो चुका सो हो गया, बिल्कुल आगे जिंदगी तो गुजारनी है। ऐसे ही पाकिस्तान के और शहरों में भी है, छोटे शहरों में भी सेंटर्स हैं। जी डेफिनेट, एग्जैक्टली, डिफरेंट एनजीओस काम कर रहे हैं, बड़े शहरों में सेंटर्स हैं, साइडों पे जो है डिफरेंट एनजीओस, यूरोपियन एनजीओस, अमेरिकन जो USAID है उसके जरिए डिफरेंट वक्तों में आते हैं, क्योंकि पोलियो एक दफा हुआ तो वो तो सारी लाइफ उसने चलना है, तो लोगों को थोड़ा सा विजिलेंट इस हवाले से रहना चाहिए, डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट एरियाज विजिट करते हैं ये, और जो पैरालिसिस टांग की हो, जिस साइड की हो, उस हिसाब से वो चीजें आपको एड्स बना के दे देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अपने बच्चों को जो है वो कोशिश करें, अगर खुदा ना खास्ता माजूरी आ गई है, तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ रिमोट एरियाज में ना, उनको मांगने पे लगा देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बदकिस्मती से ये भी गदागरी भी बहुत बड़ा इशू है, ये इस तरह के बच्चे मैंने बहुत देखे हैं कि जो सुबह बिठा दिए जाते हैं, क्या जानबूझ के भी कुछ वालदैन ऐसा करते हैं, जानबूझ के भी इस तरह ही करते हैं कि वो कहते हैं जी कि अब मजदूरी तो होगी है। अच्छा, ये उन्हें पता है कि ये मजदूरी होगी, ये नहीं पता कि कतरे पिलाने, ये पता नहीं क्या समझ आती है, जुल्म की इंतहा में कौन, जुल्म की इंतहा। तो ये जब आपको पता चल गया कि ये लाइफ टाइम मजदूरी है, तो आप लाइफ टाइम क्यों नहीं कतरे पिला रहे उसको, जो कुछ तो हो, जो आपके घर में और बच्चे अगर वो ड्रॉपलेट निकलते हैं तो दूसरे बच्चे को भी वो
प्रॉब्लम कर सकता है. एग्जैक्टली सर. तो उसमें मतलब छींक वगैरह के जरिए भी ऐसे ड्रॉपलेट जो आते हैं छींकने से, तो वो दूसरे बच्चों को भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. इतना खतरनाक है क्योंकि बच्चे हाथ वगैरह नहीं धोते, जो चीज जमीन पे होती पकड़ के खा लेते हैं तो ओरल रास्ते से वो जो है वो आपकी आंतों में बैठता है और फिर वहीं पे परवान चढ़ता रहता है, फिर आपके सेल्स को खराब करता है. ठीक है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो इन्फ्लेमेशन में आ जाता है तो फिर आपके पैरालाइज हो जाती है. तो ये देखें कि आपने हाइजीन का भी ख्याल करना है, बच्चों के खून का चेकअप भी करवाना है, बहुत जरूरी है जी. इन तमाम बातों को उम्मीद है कि आप सुन रहे होंगे और प्रोग्राम में कॉल करते रहिए. जैसे कि कॉलर प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम. बहुत बहुत आपका अच्छा लगा प्रोग्राम हमें देख. आवाज इतनी कम आ रही है आपकी, है बड़ी प्यारी आवाज लेकिन बड़ी कम आ रही है. जी जी, सॉरी सॉरी. अच्छा आपको. हाँ जी, बोलिए बोलिए. आपका नाम? जी आस्था दीदी. सॉरी आस्था दीदी, मैं आस्था दीदी. अच्छा जी जी, इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ. इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, मेरे को पता है कि दूर से कॉल आई है. हमसाए हमारे जी जी. तो मेरा बच्चा है वो पोलियो का उसमें है ना, तो बिल्कुल वो इधर से होता है, तो उसको माशाल्लाह से एमई भी की हुई है. तो बस थोड़ा सा उसके हालात थोड़े ऐसे हैं कि उनके लिए मैं आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ कि मतलब उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, किस तरह उसको ना इनका भांजा आपका वो हमारे साथ दे सकते हैं. और कितनी उम्र है आपके भांजे की? मेरा भांजा है, भांजी नहीं है, भांजा है. कितनी उम्र है उसकी? 25 25 साल का है. अच्छा ठीक है. 32. डॉक्टर साहब क्या आप सुनिए जवाब क्या दे कह रहे हैं. सबसे पहली बात तो मैं डाइट के हवाले से बताता चलूं. जो सर ने चीजें बताई हैं प्रोग्राम की इनिशियली बड़ी डिटेल से, डाइट का उसका ख्याल रखें. उसके अलावा जो जिस साइड की पैरालिसिस है उस साइड की जो है फिजियोथेरापी करवाएं. उसके अलावा जो है या फौजी फाउंडेशन या निरम हॉस्पिटल या किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर से जो है जो एड्स होते हैं रिहैबिलिटेशन, जैसे सर ने बात की बड़ी अच्छी बात बताई थी कि आपके टांग का जो है या पाँव का जिस साइड की पैरालिसिस है उसकी जो है उसका साइज़ वो लोग लेते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आपको चीज़ वो बना के दे देते हैं. तो वो चीज़ यूज़ करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर हो जाएगी. तो यही तीन चार चीज़ें हैं, डाइट, उसके अलावा फिजियोथेरापी और जो रिहैबिलिटेशन एड है और काउंसलिंग सेशंस और वो सारे. तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. सही. 32 साल का माशाल्लाह से इनका भांजा है और बस हौसला रखें आप भी, उसके वालदैन भी और बच्चे को भी लड़की को और भी हौसला. मैं करता चलूं चेक केस अगर आपने देख लिया तो ऑनवर्ड आप खुद जो है ना इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो कॉलर हैं आप बाकी जो कम्युनिटी है उनको इसके हवाले से एक मैसेज दें और अपने जो दूसरे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनमें जो है वैक्सीनेशन के हवाले से बताते चलें ताकि वो खानदान जो अफेक्टेड हैं जिनके घर में ऐसे कोई बच्चे मौजूद हैं वो अपना फ़र्ज अदा करें कि आसपास के लोगों को एजुकेट करें, बताएं कि किन मराइल से वो गुजर रहे हैं, उनका बच्चा किन मराइल से गुजर रहा है, ताकि बच्चे सबके सांझे होते हैं तो अगर खुदा ना खास्ता किसी और तक ये वायरस पहुंच सकता है तो उनको थोड़ी सी अवेयरनेस मिल जाए, थोड़ी सी उनको तालीम मिल जाए कि वो किस तरह से इस तकलीफ से बच सकते हैं, बिकॉज ये फिर सारी उम्र जो है ना ये प्रोसेस चलता रहता है. और मेरे ख्याल से वक्त के साथ साथ जब उम्र बढ़ती है तो मसाइल भी डिफरेंट होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं. हमारी कौम में पोटेंशियल बहुत है, हमारी खुशियाँ और गम सांझे हैं. बिल्कुल. और खुदा ना खास्ता जब कभी अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है तो लोग एक हो जाते हैं. बिल्कुल. अब क्यों नहीं एक होते? मैं तो ये कहता हूँ कि जब ये कंपेन चलती है तो सब एक हो जाएं, एक दूसरे को मैसेज करें. हम सारा दिन व्हाट्सएप पे हजारों मैसेज कर रहे होते हैं और रात को हमें कुछ नहीं पता होता कि क्या मैसेज हुआ, क्या हुआ, क्या इसकी वजह से हमारी लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है. अर्लियर ही बच्चों को लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है. फिर हमने ये भी एक ठेका लिया हुआ है कि हम जीटी रोड पे सफर कर रहे हैं, सारे बिलबोर्ड पढ़ने. ओ भाई हमारा क्या काम है, हमारा क्या काम है, उससे भी मालूम है. नंबर भी देख रही होती है, नंबर भी देख रहे होते हैं. फिर हम कब्रिस्तान में अगर कोई मुर्दा दफनाने जाते हैं तो वहाँ पे शेर व शायरी लिखी होती है, अम्मा जी इस साल को फोत हुई, हमारा क्या काम है उससे. बिल्कुल. अच्छा इससे भी फर्क पड़ता है जो हम मेमोरी लॉस होती है आपकी. देखिए आपको याद तो कुछ नहीं हो रहा, आपने 10 कतबे पढ़ लिए, 10 पे मुख्तलिफ शेर लिखे हुए, आपको क्या फायदा हो रहा है. बिल्कुल. वो 1960 में पैदा हुए, 2010 में फोत हो गए, हमें क्या. दुआ करें उनके लिए, दुआ करें उनके लिए, फातिहा करें. जीटी रोड पे सारे बिलबोर्ड ना पड़े, ना पड़े अपनी मेमोरीज को. सारा दिन मोबाइल में, अब एक असूल आया मोबाइल्स का कि 20-20 20 मिनट देख के 20 सेकंड आंखें बंद करें. 1 2 3 4 5 बच्चों को भी कहें
छोटे बच्चे तो दो दो तीन तीन साल के, वो हमसे भी तेज YouTube चलाना आता है जी, स्वाइप करना उनको आता है, जो आपने उसको मतलब ब्लॉक किया हुआ वो खोल लेते हैं, पता नहीं कैसे उनको पता चल रहा है। तो ये जरूर जो हमें देख रहे हैं, जरूर अपने बच्चों को 20 सेकंड्स के लिए वो आंखें जरूर बंद करवाएं, वरना आंखों के मसाइल। पहली बात तो ये कि फोन उनके हाथ में दे ही ना, ये तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कोला दे दें हाथ में, मोबाइल ना दें। आप इतनी बड़ी बात, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि कोयला अगर आपने पकड़ा तो आपका क्या हशर होगा, और मोबाइल उससे भी ज्यादा खतरनाक। बच्चों को छोड़े जानवरों को आदत है, मेरी बिल्ली खुद देख रही होती है कैट गेम्स। ये हाल तो हमने किया बेसिकली रिदा, हम रेज और वेव्स की दुनिया में जिंदा है, और हमारा सुबह कुछ जो ताकत का और चीज होती है, दोपहर को कुछ और होता है, और रात को बिल्कुल हम डल हो जाते हैं। सही कह रहे हैं। तो हमें ये चीजें जो हैं बाहर के ममालिक में जो चीजें ये कम होती जा रही हैं, बड़ी बड़ी चेन फास्ट फूड की बंद हो रही है, हमारे यहाँ बड़ी खुशी से खोली जा रही है। और बड़ी तस्वीरें लगती जब ये खाया है। वो थ्री टाइम डे जो है हमारा बच्चा फास्ट फूड खाना चाहता है, मेरा ख्याल इतनी जल्दी एम्बुलेंस नहीं आती जितनी जल्दी वो राइडर आ जाता है। आज मैं इतना गिल्टी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों, मैं किसी को बात से एग्री नहीं करूंगी लेकिन मैं खुद गिल्टी हूँ इस चीज के, हम लोग सब इस चीज का शिकार है। अच्छा, वेस्ट ने बहुत चीजें इंट्रोड्यूस करा कि हमें आदि बना दिए, और वहां पे वो फिर तौबा कर रहे हैं। ऐसी जापान में एक सर्वे हुआ कि उन्होंने 2 महीने बच्चों को जो है वो शहर से दूर जाके रखा। अच्छा। और 2 महीने बच्चों को शहर में अलग एक कैबिन में रखा, जहाँ पे सब मोबाइल्स के जो सिग्नल वगैरह आ रहे थे, टीवी भी दिया, फ्रिज, सब चीजें उनके इलेक्ट्रॉनिक्स कमरे में रखा। अब उनके पास वर्जिश, एक्सरसाइज और खाना था, और उन्होंने सोना था। सही। कोई टेलीविजन नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था। सही। जब 2 महीने बाद उनकी जो है वो सारी निकाली गई लिस्ट, वो बच्चे ज्यादा तवाना थे जो कि अच्छा। वहाँ पे रह रहे थे। हाँ। जो आउट ऑफ सिटी चले गए। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये चीजें बच्चों के ब्लड को क्लम्प्ड कर रही है, बच्चे सुस्त हो रहे हैं, रात रात जागते हैं। आप माँ बाप अगर नहीं है, देखिए हमारे हमारी जिंदगियों में दोपहर निकल गई है, सुबह होती है, शाम होती है, सुबह बच्चे तमाम होती है, शेर मुकम्मल हो गया। सुबह बच्चे सो रहे होते हैं, रात को उठते हैं, दोपहरें तो पता ही नहीं होने। अच्छा, बचपन मुझे याद है कि इवन संडे वाले दिन या फ्राइडे को भी जल्दी उठा दिया जाता था, कि बड़ी नहुसत सी होती है, बच्चे देर तक सो रहे हैं, बुजुर्ग नहीं सोने देते थे। उसमें रिदा हमारी वालदा अल्लाह बख्शे वो कहती थी कि दोपहर का खाना खाना, 2 घंटे आपने सोना है, फिर आपने खेलने जाना है। अच्छा। मैं आपको ये चीज बना के दूंगी। अब बच्चों को कुछ भी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, वो 4-5 बजे उठ के नाश्ता करते हैं। सही कह रहे हैं। तो रात 2 बजे खाना खा रहे हैं। जब आप नेचर से दूर होते हैं फिर आप बीमार होते हैं। बिल्कुल सही। और हमारे बच्चों में वो ताकतें नहीं है। तो जो वायरस स्ट्रॉन्ग हो, इसकी वजह हमारा लाइफस्टाइल भी है। लाइफस्टाइल देखिए मैटर करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले हमें चीजें बता दी है कि आपने हाथ धो के खाना है, ठीक है, और थोड़ा खाना खाना है, उधर जगह भी रखी है हवा की। हाँ। तो हम तो इतना भर के खाना खा लेते हैं कि ऊपर तक कार होता है, फिर पानी बेदरेग ऊपर से पी लेते हैं। वो सॉफ्ट ड्रिंक भी पीनी है, हजम हो जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक तो ऐसी है जैसे आपने लकड़ियों के ऊपर पानी डाल दिया, ऐसे अंदर क्योंकि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो सारा ब्लड आपका स्टोमिक की तरफ आया होता है, पर आप ये देखें कि खाना खाने के बाद कुछ टाइम आपको थोड़ी सी ठंड लगती है, सर्दी लगती है। सही कह रहे हो। तो वो ये है कि जब आप खाना खा चुके हैं 5-10 मिनट वहीं बैठे रहें, इतना तेज ना चलें, बाज़ लोगों को हार्ट अटैक्स भी हो जाते हैं क्योंकि ब्लड तो सारा वहीं आया होता है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी एहतियात जो है वो हमें बतानी है। भाई बात करें हम आपसे पोलियो के हवाले से, बात कहाँ से कहाँ चलेगी, कनेक्टेड होती तमाम चीजें। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस आज के प्रोग्राम को डेडिकेट करें, हम इस पोलियो मुहिम का हिस्सा बने, और बड़ी फख्र की बात है कि हम इस प्रोग्राम में आपको बता रहे हैं। फख्र क्या कहूँगी मैं, सूरत हाल परेशान कौन है, लेकिन चलो हम इतना अपना किरदार इसमें अदा करें कि आपको बताएं किस तरह से 2 कतरे पे लाके वैक्सीनेशन के अलावा आप बच्चों को, अपने बच्चों को, 5 साल की उम्र तक के बच्चों को इस मूजी, इस डेडली किस्म के वायरस से बचा सकते हैं। बात मैं पोलियो की कर रही हूँ। पाकिस्तान में तकरीबन 14 के करीब नए केसेस आए हैं पोलियो के, और परेशान कुन बात है, हमने इसको आगे बढ़ने नहीं देना, आज हमने अहद यही करना है। प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, डॉक्टर साहबान मौजूद हैं, आपसे बात करें, दोनों बड़े मसरूफ़ हैं, स्पेशली आप लोगों की खातिर यहाँ पर आए हैं, तो आपने जो इनसे बात करनी है आप कर लीजिए, और ताकि आपको जो जो सवालात, जो मिथ्स, जो र्यूमर्स जहन में हैं, जो गलत फहमियाँ जहन में हैं, वो हम उनको दूर कर सकें। हाँ जी, क्या मतलब ब्रेक ले ली हमने अभी? नहीं, ब्रेक नहीं है, मेरे ख्याल से हमने बातें भी करनी है। तो हम बात करें पोलियो के ही हवाले से, खुदा न खास्ता आपके इर्द गिर्द आपको लगता है, आपकी फैमिली में या आसपास हमारी आवाज़ नहीं पहुंची है, तो आप बनिए हमारी आवाज़, जो बात हम आपसे कर रहे हैं वो आगे पैगाम पहुंचाइए। एक शहरी होने के नाते, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते, ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुँचाई है उसको जू का तू आप आगे पहुँचा दें। कोई ऐसी बात जो मैंने ना कही हो आप दोनों उसको हाईलाइट करना चाहें तो प्लीज़ ऐड कीजिए। कुछ लोगों में ये चीज़ है कि
जो वैक्सीन लगती है उससे पोलियो होता है, ये भी मिसकंसेप्शंस हैं। मिसकंसेप्शंस हैं। अगर देखा जाए तो 5000 केसेस वैसे जो इन्फेक्शन होते हैं उनमें से 200 से 300 जो है केसेस ऐसे होते हैं जिनको पैरालिसिस होता है, जबकि वैक्सीन जब आप लगाते हैं तो 10 मिलियन वैक्सीन जब लगाते हैं तो 10 मिलियन जो लोग हैं उनमें से एक या दो में से किसी एक आध को हो सकता है, लेकिन जो दूसरी वैक्सीन है जो आईवी लगती है ओरल जो कतरे नहीं, जो दूसरी वैक्सीन है उसका तो क्योर रेट इतना है कि 99-100% जो है उसका क्योर रेट है। तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि वैक्सीनेशन 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 पे जो है वो जोर दें। ठीक है जी, बड़ी मतलब मुझे अभी तक वो बालोक साहब की बात बिल्कुल सही है कि अभी तक हमें बताने की जो है ना वो क्यों जरूरत पड़ रही है। थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि बच्चे जो हैं जी कॉल है, अच्छा ठीक है जी, हाँ देखो मुझे कहा जा रहा है कि जो जानदार सा स्लोगन है जिसमें कहा गया है कि फैसला आज करना है अगर बच्चे ने चलना है, और ये बच्चा खुद फैसला नहीं करेगा, 1 से 5 साल का बच्चा डिपेंडेंट होता है माँ बाप पे, घर के बड़ों के ऊपर। तो आप बड़े हैं, आप जिम्मेदारी का सबूत दें, अपने बच्चों को वैक्सीनेशन इसकी पोलियो के खिलाफ करवाइए, उनके उनको कतरे पिलाइए, 2 कतरे बड़े मीठे मीठे से होते हैं, आज मैं जाके ट्राई करूँ, डॉक्टर साहब करें मैं तो खुद भी पी लेता हूँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, और आप मुस्कुराएंगे अपने बच्चों को, घर में रौनक लगी रहेगी, भाग दौड़ कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, खाने के लिए मांग रहे हैं, ये सेहत और जिंदगी की अलामत है। डॉक्टर साहब मैंने सही बात बोली है ना, अगर हमने अपना कल सेव करना है तो आज हमें बच्चों पे फोकस करना पड़ेगा, आज हमें अपने बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, कल वो बच्चे आपको टाइम देंगे। अगर आज आपने बच्चों को टाइम नहीं दिया तो वो भी बच्चे आपको टाइम नहीं देंगे। हाँ, फिर शिकायत ना करें, फिर शिकायत ना करें, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो बाज़ पेरेंट्स मैं देखता हूँ कि दोनों ही जॉब वाले होते हैं, हाँ जी, और वो बच्चों के लिए हफ्ते भर का खाना फ्रिज में पैक कर देते हैं और निकाला, थोड़ा गर्म किया, फिर फ्रिज में रख दिया, फिर निकाला, उससे इस बरसात वाले मौसम में डायरिया बहुत ज्यादा होता है। आपने मेरे घर में कैमरा लगाया है, मुझे बताइए जरा सब बातें जो है ना मुझे। तो 11 बज गए तो थोड़ा सा बरसात के मौसम में जो है इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल। बिल्कुल जी, तो मैं प्रोग्राम खत्म नहीं करना भाई मैंने, अच्छा तो इतनी अच्छी बातें हुई हैं। नॉर्मली इस टॉपिक पे थोड़ा सा लोग बात करते हुए घबराते हैं, लेकिन आप दोनों माशाल्लाह इतने जबरदस्त मेरे गेस्ट आए हैं कि लगा नहीं खुश सा टॉपिक है, और हमने बड़े हंसते मुस्कुराते आप तक सेहत की बात पहुंचाई है और बताया है कि फैसला आज करना है अगर अगर बच्चे ने चलना है। चेक करो रखते हैं टेंटिव दोनों डॉक्टर्स, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, अगर डॉक्टर्स आपके जैसे हो तो बीमारी ऐसी खत्म हो जाती है कि आप लोग इतना मोटिवेट करते हैं। अल्लाह ताला आप दोनों को भी सेहत दे, सलामत रहें, हमें गाइड करते रहें जी, और आपको दोबारा जहमत हम देते रहेंगे, आप भी खुश रहें, बहुत शुक्रिया जी। तो आज हमने बात की, मुझे यकीन नहीं आ रहा, हाँ टाइम वाकई थोड़ा रह गया है, बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम का हिस्सा बने। आज हमने आपको बताया कि सेहत का होना बहुत जरूरी है, खासतौर पर बच्चों के लिए। इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज पूरे पाकिस्तान में हो चुका है, 15 तारीख से लेके 19 अगस्त तक इस मुहिम का हिस्सा बनिए। अगर आपके पास 1 से 5 साल तक के बच्चे मौजूद हैं तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत आपको दी है, इनका ख्याल रखिए, इन्हें वैक्सीनेशन करवाइए, 2 कतरे आपने पोलियो को के खिलाफ इनको पिलाने हैं ताकि आपके बच्चे हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का सबब बने। तो मेरे ख्याल से अब चलते हैं, मौसम एंजॉय करते हैं, मैंने भी आज चक्कर लगाने अपने गली मोहल्ले का, कोई बच्चा रह गया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाऊं, एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दूं। आपने भी आज ये काम करना है, पाकिस्तान में खुशहाल बनाना है। वैसे भी हम 14 अगस्त मना चुके हैं, पूरा महीना हमने जश्न आज़ादी मनाना है, इसके बाद भी मनाना है, लेकिन उसके लिए अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो भूलिएगा नहीं, फैसला आज करना है अगर बच्चे ने चलना है। खुश रहिए और खुशियां बांटिए, अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद एंड अल्लाह हाफिज़।